होली की अग्नि में प्रत्येक महिला और पुरुष को अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, रोग मुक्ति के लिए दवाई इत्यादि पीछा छोड़े और साथ ही सभी ऊपरी बाधा और जो आपके ग्रह दशाएं विपरीत चल रही हैं उन सभी के निवारण के लिए आप सभी को अग्नि में यह एक दिव्य चीज जरूर से डाल देनी चाहिए। गुरु जी कहते हैं चंद्रमा मन का कारक है और पूर्णिमा की तिथि जो है वह चंद्रदेव को समर्पित है, साथ ही सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित है। कुल मिलाकर इस होली के दिन अद्भुत तरह के संयोग हो रहे हैं। कई स्थानों पर 6 तारीख को होली का दहन किया जाएगा, कई दिन जगहों पर 7 तारीख को किया जाएगा। दोनों दिन इस उपाय को कर सकते हैं, काफ़ी श्रेष्ठ कर आपके लिए यह दोनों दिन रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप सभी जितना संभव हो प्रत्येक महिला को अखंड सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि पुत्र पौत्र की प्राप्ति के लिए पूर्णिमा के व्रत को जीवन में एक बार जरूर से करना चाहिए। नहीं भी कर पाते कोई दिक्कत की बात नहीं है, सोमवार का दिव्य दिन है। महादेव के ऊपर दूध मिश्रित जल जरूर से समर्पित करें, साथ ही चावल जरूर से समर्पित कीजिएगा। जो चंद्रमा होते हैं वे मन के कारक होते हैं, उन्हीं से जो चंद्रमा की स्थिति अगर कमजोर अवस्था में होती है, नीच की अवस्था में होती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ज़्यादा रोगवान होता है और मन अधिक चंचल रहता है। तो गुरु जी के पूर्णिमा के कई उपाय हैं, उनमें से कोई एक उपाय कर सकते हैं, परंतु सामान्य तौर पर महादेव के ऊपर जल समर्पित करें, उसमें दूध मिश्रित करें, क्योंकि सफ़ेद वस्तु जो है वह चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। चावल समर्पित करें, सफ़ेद पुष्पों से महादेव का श्रृंगार करते हैं तो अति श्रेष्ठ रहेगा। इसके साथ ही आपके क्षेत्र में अगर होलिका दहन हो ना तो यह दिव्य चीज़ जरूर से डाल दीजिए। होलिका की राख जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, बुराई पर अच्छाई की जीत का यह त्यौहार अपने आप में अद्भुत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हुए होली की परिक्रमा करना, पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सभी कष्टों के निवारण के लिए। साल भर में आने वाले यह जो त्यौहार होते हैं ना, यह सभी मनोरथ सिद्धि के लिए और मनोकामना की पूर्ति के लिए होते हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से होलिका की राख जो है घर में लाकर घुमानी है, तिलक लगाना है, इसे महादेव के ऊपर समर्पित करना है और अन्य तरह के जो उपाय करते हैं तो वह भी जरूर से कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा घर में छिड़किएगा और थोड़ा प्रसाद के स्वरूप में इसे जरूर से ग्रहण कीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, होलिका का पूजन करना, उसके राख इत्यादि के टोटके करना सभी कष्टों का निवारण करने वाले होते हैं। परंतु इसके साथ साथ ही आप सभी को एक यह दिव्य चीज होलिका की राख में अर्थात होलिका की अग्नि में जरूर से डाल देना है। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को एक कपूर लेना है, पूरा साबुत कपूर ले लीजिएगा, आसानी से मिल जाता है। देसी कपूर हो या अन्य तरह का कोई सा भी कपूर ले लीजिए और 2 लौंग के जोड़े रख लीजिए, ठीक है। संभव हो तो काली मिर्च भी उसमें रख लीजिएगा, काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है और व्यक्ति को बल प्रदान करती है। लौंग भी सभी रोग कर्ज मुक्ति में सहायक होते हैं और जो कपूर होता है ना वह जो है जो बुरी शक्तियां होती हैं उनके निवारण में सहायक होता है और सभी कार्यों को सिद्ध करता है। हर एक पूजा के बाद अग्नि प्रज्वलित की जाती है कपूर के द्वारा, कपूर जो है पूरी पूजा को पूर्ण करने के लिए सहायक माना जाता है। ऐसे में आप सभी को अपने हाथ में जब होली का दहन हो ना, शाम के समय में प्रदोष काल में होता है, आप सभी जानते ही हैं, ऐसे में आप सभी को एक कपूर का टुकड़ा लेना है, जोड़े से लौंग लेना है अर्थात 2 लौंग लेने हैं, एक कपूर लेना है। काली मिर्च आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, 1 काली मिर्च भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, इससे अधिक भी ले सकते हैं। अपने हाथ में रख देना है, किसी भी महादेव के स्वरूप का नाम लेना है। आप कोई भी अघोरेश्वर महादेव कह सकते हैं, कुंदकेश्वर महादेव कह सकते हैं, आशुतोष महादेव कह सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो भी आपको उस समय याद आए उस मंत्र का, महादेव के स्वरूप का, आप जो है महाकाल के स्वरूप का स्मरण करते हुए थोड़ी देरी से अपने हाथ में रखें और भान करें। स्मरण करके यह कहें कि हे महादेव, इस रोग मुक्ति के लिए, इस कष्ट के निवारण के लिए आज यह चमत्कारी उपाय कर रही हूँ। पूरे घर में इसे लेकर घूम जाना है, घर के वास्तु दोष किया कराए इत्यादि का नाश होगा। अब आप सभी को इस मुट्ठी बंद कर लीजिएगा, पहले पूरे घर में घुमा लीजिए, फिर मुट्ठी बंद करके आपको होलिका की अग्नि के पास इसे समर्पित कर देना है। यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपके जीवन में जो धन संपदा की परेशानी है, कर्ज बढ़ रहा है और दुश्मन सर उठा रहा है, किसी न किसी तरह से आपको परेशान करता है, ग्रहों की दशा विपरीत होती है, दवाई रोग पीछा नहीं छोड़ते, तो सभी कष्टों का निवारण होगा। और यकीन मानिए, सभी जो जीवन में जाने अनजाने आपसे पाप कर्म हुए हैं उनका भी नाश यह करने वाला होगा। करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। होली पर तो कई तरह के तंत्र मंत्र टोने टोटके इत्यादि होते हैं, अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
किसी भी चौराहे इत्यादि पर जाने से पहले सांझ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समाज में आपके जैसे और हमारे जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो सीधे स्वभाव के होते हैं, परंतु समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, तो इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। तो इस तरह से यह जानकारी थी, करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। कोई मन में सवाल हो तो आपकी अपनी हो, पूछ लीजिएगा। जय माता दी, राधे।